गाइज मैं अभी आपको बॉल डाल के दिखाऊंगा, सबसे पहले समझिए क्या करना है। ये लेग कटर का ग्रिप है, देखिए स्लो मोशन में दिखाऊंगा, स्लो मोशन में ही बॉलिंग डाल के दिखाऊंगा, क्योंकि पहले जितने भी वीडियो बने हैं वो स्लो मोशन में नहीं थे। ये ऑफ कटर का देखिए इस तरह से रिलीज, लास्ट में छोड़ना है। गौर से देखिए इसको, जैसे हाथ ऊपर आया, देखिए ऊपर आते आते धीरे धीरे ये इस तरह से राइट साइड में टर्न कराना है। गौर से देखिए उसको, कहाँ टप्पा खा रही और कहाँ जा रही, उसको गौर से देखिए। अब देखिए ये है, अब अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ये है लेग कटर के लिए, सबसे पहले तो आपने दो उंगली ऊपर रखनी है, उसके बाद फिर चलते चलते एक उंगली को डाउन कर देना। ये जो मिडिल फिंगर है इसके सामने बड़ा वाला फिंगर भी होना चाहिए। जब आप जैसे आगे को मैं धकेल रहा हूँ ना, आगे को धकेलते धकेलते ही रोल करना है फिंगर्स को। अब रोल कैसे होगा आप देख लीजिए, यहाँ तो ये इस तरह से रोल होगा, ये स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ मैं, इस तरह से रोल होगा। फिर पीछे आके फिर से बताएंगे एक बार, ये पीछे आपका पहला वाला पोजीशन था, ये पोजीशन जैसे आगे गया इस तरह से रोल होगा। अभी तो मैं खाली रोल कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पर गिरा रहा हूँ, अदरवाइज आगे चल के देखिए आप इस तरह से, ये देखो रोल हो रहा है, पत्ता खा के कहाँ जा रहा है। ये पीछे से फिर से स्लो मोशन में आ रहे हैं हम, ये गया आगे, टप्पा खाया, टप्पा खाने के बाद सीधे ये देखिए ऑफ की तरफ जा रहा है। तो ये देखिए आप इस तरह से स्पीड में देखिए, ये कहाँ टप्पा खा रहा है, कहाँ ऑफ कटर, वो था लेग कटर, ये है ऑफ कटर, टप्पा खाएगा अंदर की तरफ घुसेगा बॉल। ये देखिए अगर कुछ दिन तक आपने इस तरह की प्रैक्टिस कर ली तो आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। बहुत गौर से देखिए इसको, गौर से देखने वाला प्रैक्टिस की बात है, आगे चल के मैं बताऊंगा प्रैक्टिस का भी आपको। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिकेट विद सचिन बोरा। गाइस पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं उस टाइम पे बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से बॉल स्लिप हो रहा था, उतना ज़्यादा टर्न नहीं हो रहा था। आज आपने देख लिया होगा क्योंकि उस दिन मैंने बॉल करके तो दिखाया लेकिन रिलीजिंग पॉइंट नहीं दिख रहा। बहुत सारे फ्रेंड्स को पता नहीं चला था कि रिलीज करते समय कैसे बॉल को घुमाना है ताकि परफेक्ट लेग कटर और ऑफ कटर पड़ जाए। अब आपने नमूना देख लिया होगा कि किस तरह से मैंने बताया था कि जैसे ऑफ कटर में तो मेरा ऐसे भी चला जाता है ऑफ कटर, बिल्कुल जैसे ये होता है ना, जैसे लेदर में करते हैं, बिल्कुल बॉल को फेंकते समय ये टर्न करते करना है। ये आपका मिट्टी के पिच में मैट में इफेक्टिव है, बट सीमेंट के पिच में उतना ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा रफ है तो हो जाएगा, बिल्कुल स्मूथ सीमेंट का पिच है तो किसी का भी नहीं होता, बहुत कम चांसेज होते हैं। तो इसीलिए जो है ये मैंने बता दिया, इस तरह से बॉल डालते डालते ऐसे करना कर लेना है। इसमें थोड़ा स्पीड आपकी कम होगी, कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर को भी जब भी कटर मारते किसी का देखा होगा 140 वाला 120 की स्पीड में आ जाता है, स्पीड कम होती है, उसमें कोई इशू नहीं। लेकिन मेन क्या होता है, इसमें टप्पा नहीं गिर पाता है। हम जो बॉलिंग डालते हैं, कटर डालते हैं, कटर डालने में हमारा टप्पा सही जगह नहीं गिर पाता है। अब वही प्रैक्टिस करनी, बाकी सबको तो पता है ऐसे रोल करना है, ऐसे रोल करना है, बट जो टप्पा है वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपने 200 बॉल 300 बॉल ऐसे बार बार हर दिन में कम से कम 10-15 ओवर आपने डालना पड़ेगा, तब जाके आपका ये परफेक्शन बनेगा। अदरवाइज क्या होगा, आपने यहाँ पे देख लिया, आप सीधे मैच में जाके चले गए तो नहीं होगा। ये तो है ऑफ कटर के लिए। लेग कटर के लिए क्या था, हल्का सा ऊपर करते करते ऐसा करें ऊपर, अगर पहले से ऐसे करके ले आएंगे वहाँ से तो जो बैट्समैन है वो समझ जाएगा कि आपका जो है ये कुछ चेंज करने वाला। तो अगर ऐसे करके ऊपर ले जाते समय ऐसा कर जाना, इसकी भी प्रैक्टिस है। ये है, ये ऊपर ले जाते ये ऊपर ले जाते ये, इसकी प्रैक्टिस करनी है। करते करते जैसे मैंने बोला था रिलीज करते समय हल्का सा यहाँ से जैसे हाथ आएगा, हाथ आते समय ये इस उंगली से ऐसे घुमा देना है, तो ये घुमाओगे तो एकदम परफेक्ट जाएगा। ये था कटर, जो कि बहुत सारे वीडियो मैंने यूट्यूब में भी देखे, मेरा खुद का वीडियो मैंने बहुत बार बनाया है, बट क्या मैं रिलीजिंग नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरे पास जो ये कैमरा का सेटअप है ना वो सही जगह पे नहीं बैठ पा रहा था। आज मेरे को एक बढ़िया करके वो एक बड़ा चेयर मिल गया जिसके ऊपर मैंने ये रखा है, ठीक अपने सामने रखा ताकि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि कटर ऐसे पड़ता है। इसको परफेक्ट बनाने के लिए गाइस मैं जैसे बता रहा हूँ, नेट के सामने बार बार इस तरह से रोल करने का, रोल ये हाथ से कैरम की तरह ही है ये, बिल्कुल अगर वैसे करोगे ना अगर इंटरनेशनल मेथड से करोगे सिर्फ ऐसा वाला कटर, ये उतना इफेक्टिव नहीं होता टेनिस में। टेनिस के लिए आपने उंगली इस तरह से कैरम बॉल की तरह करनी पड़ती है, थोड़ा सा स्पीड आपका कम होगा जैसे मैं बता रहा हूँ। बार बार रेगुलर करते जाओ थोड़ा स्पीड भी बढ़ेगी,
ये फिंगर का लगातार इस फिंगर से ऐसे 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 करते जाओ, बहुत तगड़ा लेग कटर पड़ेगा। ऑफ कटर तो थोड़ा सा अच्छा सा ग्रिप बनता है पहले से, मेरा तो और अच्छा बनता है ग्रिप, लेकिन जो छोटे छोटे पिचेज होते हैं, छोटे छोटे ग्राउंड्स होते हैं ना, 40-45-50 meter वाले ग्राउंड में, तो ये कटर इफेक्टिव नहीं होता। पर होता है कभी कभी, क्योंकि छोटे ग्राउंड में थोड़ा सा भी मारने में बाहर चला जाता है। जहाँ पे 60-65 meter के ग्राउंड हैं वहाँ पे कैच उठने हैं बाउंड्री तक तो कैच जाएगा ही जाएगा। तो इतना तगड़ा होता है लेग कटर ऑफ कटर। बाकी और भी वीडियो इसी से रिलेटेड बनते रहेंगे, आप बने रहिए चैनल पे। थैंक यू, धन्यवाद।